हेलो दोस्तों, हल्दी का फंक्शन है तो मैंने सोचा आप लोग इस वीडियो को शेयर करूं। मैं यहां पर आज पहनने वाली हूं लेमन येलो कलर की साड़ी, ऑर्गेन्जा साड़ी, और अपने शादी का दुपट्टा। ये भी यूज़ में आ जाएगा, वेस्ट तो कुछ भी नहीं जाने वाला है, मैं सबको रीयूज़ करूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर मेकअप कर रही हूँ और मेकअप करते करते कुछ बातें आप लोगों से बोलती हूँ। ये वीडियो सबसे पहली तो ये वीडियो काफ़ी लेट आप लोगों को मिलने वाली है, क्योंकि शादी के दौरान इतना वक्त मुझे नहीं मिल पाया कि आप लोग से इस वीडियो को शेयर कर सकूं। शादी ख़त्म हो चुकी है, मैंने छोटे छोटे क्लिप्स भी बहुत सारे डाले हुए हैं जो आप रील्स में चेक कर सकते हैं, और मैंने मेहंदी का भी एक वीडियो डाला हुआ है, फुल वीडियो है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। और आज या कल में ये वीडियो चला जाएगा, जो हल्दी का लुक था मैंने ये भी आप लोगों से शेयर किया है। आप कमेंट करके बताइएगा ये लुक कैसा लगा। बाकी मैं बहुत जल्दी आप लोगों को शादी की वीडियो आप लोगों से शेयर करूँगी। मैं चाहती हूँ हर एक छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँ, हमारा कल्चर क्या है, किस तरीके से हमारे घर में शादी होती है, छोटी छोटी बातें। बाकी मैंने यहाँ पर पहना हुआ है एक नेकलेस जो नीचे की तरफ गिर रहा है, मैंने सोचा ये जब तक ऊपर होल्ड नहीं रहेगा तो इसकी खूबसूरती नहीं आएगी, और ये फ्लोरल नेकलेस है जो मेरी आउटफिट के साथ बहुत अच्छे तरीके से ओकेजन के अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैच कर रही है। मैंने ईयरिंग भी पहनी हुई है, बहुत अच्छे तरीके से ये मैच हो गई, मुझे नहीं लगा था इतना अच्छा ये लुक इसमें आने वाला है। मतलब कभी कभी ना ऐसा होता है कि लगता है हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अचानक से बस पहनो तो लगता है कि ये सिर्फ इसी आउटफिट के लिए बना है ना। मैं यहाँ पर अब मांगटिका सेट करूँगी, हल्दी का फंक्शन है तो फ्लोरल मांगटिका होगा येलो कलर का। मैंने एक नॉट बना लिया है ब्लैक धागा से, और उसको मैं अपने बालों में फिक्स करके पीछे से क्लिप लगा लूँगी। ये जितने भी देर मैं इसको पहन करके रहूँगी ये अपने जगह से हिलेगा भी नहीं। पीछे पावर कट हो गया था इसीलिए मैं आपको बन नहीं दिखा सकी, नॉर्मल सिंपल बन है जिसमें मैंने वाइट एंड येलो कलर का फ्लावर लगाया हुआ है, बिंदी लगा लिया है। अब इस लुक में तो बिंदी के बिना तो एकदम ही बेकार है। मैंने सोचा बैंगल में क्या पहनूं, हैवी पहनूं, लाइट पहनूं, तो मेरे दिमाग में आया जितना लाइट पहनेंगे ना हल्दी के फंक्शन में उतना ही अच्छा लगेगा, तो कुछ ज़्यादा ही लाइट हो रहा था येलो कलर का, तो मैंने आगे पीछे अच्छा सा कंगन लगा लिया, वो काफ़ी ब्यूटीफुल सा लुक दे रहा था। पीछे में मेरी मम्मी बैठी हुई है, मैं उनसे भी बात कर रही हूँ और आप लोग के लिए वीडियो भी बना रही थी साथ साथ, और जो बैकग्राउंड म्यूज़िक आपको आ रहा है वो शादी का शोर है। ये मेरी मंजली वाली जेठानी है, इनको इनसे भी आप लोग मिल लीजिए, ये भी आई रूम में बैठी। मैंने सिर पर दुपट्टे को इस तरीके से सेट कर लिया, इसमें भी मैंने एक छोटा सा क्लिप डाला हुआ था, आप चेक कर सकते हैं इसको मैंने कैसे सेट किया है। ये है मेरा फाइनल लुक, कैसा लगा आपको ये लुक कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो पसंद आया कि नहीं आया इसको भी ज़रूर बताइएगा आप लोग। बाकी मैं आप लोगों से मिलूँगी फिर से ये रेडी होने का बाद का मैसेज। चलो मिलती हूँ, बाय।